तो छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया। पहली बार राजधानी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में बस्तर के पदाधिकारियों से वे चर्चा करेंगी। जाहिर है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस दौरे के मायने निकाले जाने लगे हैं। फिर किला जीतने की बेताबी, क्षत्रपों को नहीं लोकल को जिम्मेदारी, बीजेपी का मिशन ट्राइबल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी को दंतेवाड़ा, 20 फरवरी को कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। बैठक में प्रदेश के किसी भी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया है। कभी बीजेपी बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन आज इन दोनों संभागों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। अब बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी मिशन ट्राइबल के तहत इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, पार्टी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को इस मुहिम से दूर रखा गया है, जिसने कांग्रेस को बोलने का मौका दे दिया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरकला से अभी उबर नहीं पाई है। बस्तर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर दिया था, तो शायद उनकी कोशिश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के नौजवान और महिलाएं, जो कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उनके सारे प्रयास निरर्थक साबित होंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डी पुरंदेश्वरी के दौरे से घबराती है, विचलित हो जाती है, क्योंकि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। चौबे जी बोल रहे हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्री जी का ये आंकड़ा झूठा है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितने विचलित है कांग्रेसी। खुद के विधायक, मंत्रिमंडल और जिस प्रकार से असंतोष बढ़ते जा रहा है, शायद कांग्रेस इस बात को लेकर के इतने दहशत गर्दे में है और उनको लगता है कि प्रभारी कहने के बाद में और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये साफ उनके बयान से दिखाई दे रही। ये दूसरा मौका है जब डी पुरंदेश्वरी बस्तर के दौरे पर जा रही हैं। इसके पहले वो बस्तर में चिंतन शिविर में शामिल हो चुकी हैं। अब बीजेपी का फोकस बस्तर और सरगुजा में ज्यादा है, इसलिए वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को बैठकों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बस्तर संभाग में होने वाली इस बैठक से राजधानी के बड़े नेताओं को क्यों दूर रखा गया है। यहाँ तक कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। क्या वाकई केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा अब स्थानीय नेताओं से उठ गया है? सवाल बड़ा है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।